में चल रहा राष्ट्रीयता और मानवता के आंदोलन के जो ने जनक है राजनीति में और उसके मार्गदर्शक भी हैं, उसके योद्धा भी हैं, ऐसे श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर उपस्थित और सामने उपस्थित भाइयों और बहनों, 20 वर्ष पूर्व एक बात उभरी थी जो मुसलमानों के मस्तिष्क में आई थी और उन्होंने संघ से शेयर की थी, इस्लाम को कट्टर मजहबी का और मुसलमान को हिंसा का मॉडल माना जाता है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सियासतदान और हिंदुस्तान के मजहबी नेता हमें इंसान माने, हिंदुस्तानी माने, हमें एक सच्चा मुसलमान माने, ना कि वोट माने। वोट मानते हैं तो वो खरीद फरोख्त करते हैं हमारी, हम खरीदी और बेचे जाने वाली आइडेंटिटी नहीं, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं जिनका सौदा हो और फिर हमारी पूछ ना हो। तो इसलिए हम भी हिंदुस्तान के थे, हैं और रहे, उसमें से एक मूवमेंट का जन्म हुआ था। उस समय इमामों की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके सदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जमील इलियासी भी थे, मोहम्मद मुकर्रम भी थे, मौलाना वहीदुद्दीन भी थे, ऐसे इस देश के 20-25 बड़े कदावर मौलाना इमाम मौलवी और मुफ्ती थे। आरएसएस के चीफ हुए माननीय सुदर्शन जी, वो भी थे वहां पर, सुषमा स्वराज भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, सिखों के बड़े नेता सरदार त्रिलोचन सिंह भी थे, जैन मत में से भी थे, मुसलमानों में ईसाइयों में से भी थे, मुसलमानों में शिया भी था, सुन्नी भी था, मस्जिद वाला भी था, दरगाह वाला भी था, अहले हदीस अहले सुन्नत 13-14 फिरकों से थे। उस समय इस मूवमेंट का जन्म हुआ था माई हिंदुस्तान, बाद में ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बने। इस समय हिंदुस्तान के 30 के लगभग सूबे और यूनियन टेरिटरी में इसका काम है, 360 के लगभग डिस्ट्रिक्ट में इसकी ब्रांचेज है, नीचे 360 से जिलों से नीचे कोई 2300 इसकी इकाइयां हैं। अभी सामान्यता रखा है कि तहसील तक हो, साल दो साल बाद ये ब्लॉक तक जाएंगे। मिनिमम 10 लाख मैक्सिमम 17-18 लाख तक इनकी नफरी है जो कार्यक्रमों में आने जाने लगी है। 20-25 मुस्लिम देशों से इनके संपर्क भी है जहां सब तरह के डिस्कशंस भी होते हैं। 370-35 ए पर जागरण हुआ था, सैकड़ों मीटिंग में 8,27,000 मुस्लिम हस्ताक्षर उस समय के प्रेसिडेंट महामहिम प्रणब मुखर्जी को दिए थे और उन्होंने उस समय सरदार मनमोहन सिंह से बातचीत की थी। 15 मिनट का समय 54 मिनट तक चला था, मैं भी उसमें साथ गया था। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इस्लाम में गौ हत्या के लिए कोई स्थान नहीं है। कुरान पाक का सबसे बड़ा पारा सूरह बकर गाय पर है, जितना प्राय करो शैतान ताकतों से रक्षा करता है, तो सिक्योरिटी कवच है, यहां से शुरू होता है। 10,35,000 मुसलमानों ने गौ हत्या बंदी के लिए हस्ताक्षर लिए थे। उसी समय के अंदर आतंकवाद ये इस्लाम नहीं है,
इसलिए आतंकवाद नक्सलवाद का मजहब नहीं मानना चाहिए, परंतु ये पक्का है जो आतंकवादी नक्सलवादी हिंसक है अपराधी है उसका मजहब और जात जरूर है। और इसलिए आतंकवाद विरोधी हिंसा विरोधी एक मुंबई में मार्च हुआ था तिरंगा लेकर, सैकड़ों हजारों मुसलमान देश भर से आए थे, कश्मीर से भी आए थे, गुवाहाटी से भी आए थे, केरल से भी आए थे, और एक बड़ा मार्च हुआ था नेशन विदाउट टेररिज्म विदाउट वायलेंस विदाउट नक्सलिज्म। उसी समय में देश के अंदर 3 तलाक को लेकर एक हलचल चली थी, रिश्तों का त्योहार राखी है इसलिए मुस्लिम महिलाओं ने पहला राखी का त्योहार एक जयपुर में किया था और एक मध्य प्रदेश में किया था, आज कई स्थानों पर मनाते हैं। मुझे हर साल 3,000 के लगभग राखियां न्यूनतम बनती मुस्लिम महिलाओं। उसी में से एक डरावना और खौफनाक चेहरा आया तलाक और 3 तलाक, 32-33 मुस्लिम महिलाओं ने आगे बढ़कर केरल से लेकर बंगाल गुवाहाटी तक, वहां से लेकर उत्तराखंड तक कोर्ट मुकदमे डाले। 3 तलाक इतना भयानक है, गैर इस्लामिक है, अमानवीय है, जो इसको इस्लाम मानते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। इसके सहारे से आंदोलन चला, मुस्लिम मंच ने चलाया, अल्टीमेटली वो आंदोलन कानून की परिधि में गया, कानून ने फैसला दिया, भारत सरकार ने 8.5 करोड़ मुस्लिम औरतों पर जुल्म होने से हिफाजत की। ये आज के युग का सृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण है, इतना बड़ा महिला सशक्तिकरण हुआ। और इससे भी बड़ा उदाहरण है 9 करोड़ मर्द जालिम होकर जन्म में जाने से बचने का रास्ता भी निकला, तो इश्क लड़ाई को भी इन्होंने लड़ा। उसके बाद जब पाकिस्तान ने नारा लगाया, लगाता रहता था, हंस कर लिया पाकिस्तान लड़कर लेंगे हिंदुस्तान थ्रू वार थ्रू टेररिज्म, या और ये कहता था कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, मुस्लिम मंच और कई संस्थाओं ने फिर बदले में एक नारा शुरू किया है, पाकिस्तान का नारा कहना है कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, हम हिंदुस्तानियों का कहना है चाहे मोहम्मदीन हो चाहे रेवरेंट हो, मोहनदास हो मोहनलाल हो, केरल से कश्मीर तक कि लाहौर ननकाना और हिंगलाज कराची के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो एक लोकल वॉइस उन तक भी गई, उन्होंने उस समय मेरे ऊपर कई आर्टिकल भी लिखे बेचारे, यही कर सकते थे। तो इस प्रकार से आज भारत ये मूवमेंट चलते चलते चली, फिर हमने मूवमेंट में 2 चीजें जोड़ी, एक 15 अगस्त 26 जनवरी, विशेष रूप से 15 अगस्त मदरसे और मुस्लिम मोहल्लों में तिरंगा लहराएंगे, भारत माता की जय गुंजाएंगे, जनगण मन गाएंगे, आजादी के प्रवाणों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। महाराष्ट्र के 2 मदरसों से ये मूवमेंट शुरू की थी, आज 9,000 से अधिक मदरसे और मोहल्लों में अब 15 अगस्त धूमधाम से मनाया जाता है। लगता है कि इस बार यह 15,000-20,000 तक जाएगा। मध्य प्रदेश में कोई मोहल्ला ना बचे और कोई मदरसा ना बचे जिसमें हम 26 जनवरी और 15 अगस्त ना मना पाए। जो वायदा करते हैं कि हम 26 जनवरी 15 अगस्त इन एवरी मदरसा और इन एवरी मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला मनाया जाएगा, वो तो जरा दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर दीजिए, भारत माता की। जिन्होंने आधा हाथ किया, एक हाथ खड़ गया, सोच सोच कर किया, मालिक से दुआ करूंगा उनमें भी मिजाज ठीक से जान जाए। अभी हमने दूसरा दौर शुरू किया है, इसके 8 या 10 साल हो गए, दूसरा दौर पिछले साल शुरू किया है, और वह शुरू किया है हमने और निजामुद्दीन से,
पिछली बार दिए जलाकर दीपावली मनाई थी, इस बार 719वां 20वां उर्स शुरू होने वाला है। 719 दिए जलाकर उनके जो दरगाह के मालिकों में चले आ रहे हैं 27 परिवार हो गए हैं, वो सब उपस्थित थे। थोड़ा बहुत आपस में कभी कभी झगड़ते रहते हैं, सुलह कराने के लिए मैं बीच में फिर जाता, तो वो सारे उपस्थित थे। और इसलिए दो दिन पहले और 720 दिए जलाकर धूमधाम से दीपावली का उत्सव हुआ था। हमने वहाँ से घोषणा की थी अगली बार बड़ी दिवाली, उससे पहले की छोटी दिवाली, उससे पहले की धनतेरस वाली दिवाली, ये निजामुद्दीन में आगाज होगा और अधिक से अधिक दरगाहों पर दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे, ताकि सद्भावना भाईचारा ये फैलता चला जाए। और इन बातों के साथ ये मुहिम बढ़ रही है और ये मुहिम बढ़ती जाने वाली है। मैंने पहले बताया है कि हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे। तो दो बातें और बोलता हूँ छोटी सी। आज हमारा भारत 31 लाख वर्ग किलोमीटर का है। 47 में विभाजन होते समय हमारा भारत यह लगभग 42-43 लाख वर्ग किलोमीटर का था। 1947 में फिरंगी मारो देश बचाओ आजादी लाओ का जब हमने आगाज किया था, उस समय हमारा भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर का था। परंतु जब देश के ऊपर औरंगजेब के राज की शुरुआत होते बढ़ते बढ़ते वह और शाहजहां शेरशाह सूरी के राज को क्रॉस कर रहा था, उस समय हमारा हिंदुस्तान की सीमा ईरान थी, तिब्बत थी, श्रीलंका, मालदीव थी और इंडोनेशिया थी। इतना बड़ा हिंदुस्तान था, लगभग 2500 गणराज्य थे इसमें छोटे बड़े, और यह मिलाकर 200 लाख वर्ग किलोमीटर का हिंदुस्तान था। इसलिए सारे देशों के अंदर कभी कोई झगड़ा नहीं था, हमले नहीं थे, मारपीट और युद्ध नहीं थे। विदेशी आए, पहला ग्रुप आया वह ग्रुप था यूनानी, रोमन, ग्रीक आदि का। फिर दूसरा ग्रुप आया शक हुन का। तीसरा ग्रुप आया वह था अंग्रेज, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच आदि आदि का, समुद्र मार्ग से। चौथा ग्रुप आया मुगल, तुर्क, तार्तर, अरबी, मंगोल, फिलिस्तीनी आदि आदि, ये पृथ्वी मार्ग से आए। और हम 2-2500 साल जंगों पर जंग लड़ते रहे। अगर आज के अफगानिस्तान से म्यांमार तक जाए, आज के तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक जाए, मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह मिलाकर यह 46-47 करोड़ बनती है। 99% कन्वर्टी है, 1% विदेशी है। इस सारे के अंदर जो ईसाई जनसंख्या है वो 4.5 करोड़ बनती है, उनमें केवल 0.7% विदेशी हैं, बाकी 100% भारतीय हैं और कन्वर्टी। अब मेरा यहाँ कहना है कि आखिरकार सीमाओं पर शांति क्यों नहीं हो सकती, दंगा या जंग ही क्यों जरूरी है? कंट्री के अंदर मजहबों के नाम पर भाईचारा क्यों नहीं हो सकता और दंगे ही क्यों जरूरी है? दुनिया में अपने अपने राज्यों की सीमा में रहकर युद्धबंदी क्यों नहीं हो सकती, युद्ध ही क्यों जरूरी है? जबकि ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक हमारी जाति परंपरा, गोत्र परंपरा, अन्य परंपरा, हमारे चेहरे, हमारी भाषा बोलियां, ये सब लगभग हिंदुस्तानी स्टाइल की, जिसके मैंने प्रयोग अभी आपको कराए। और
क्यों नहीं पीसफुल सीमाएं हो सकती, यही कहां लिखा है कि युद्ध वाली सीमाएं होनी चाहिए। क्या चीन को ये ठीक से नहीं समझाया जा सकता 9 बार? क्या पाकिस्तान के कट्टरता को, हिंसा को नहीं समझाया जा सकता 9 बार? क्या इन ताकतों को ये नहीं समझाया जा सकता नो टेररिज्म नो नक्सलिज्म? आखिरकार इस टेररिज्म से, नक्सलिज्म से और युद्धों पर सीमाओं से जो कई लाख लोग मरे हैं, भला किसका हुआ? इसलिए देश रहे, सीमाएं रहे, परंतु युद्ध ना, घुसपैठ ना, आतंक ना, शस्त्रों का व्यापार ना, घुसपैठ ना, करेंसी की, गोल्ड की ऐसी करप्शन ना हो जिसके कारण देश असंतुलित होता है, हिंसक होता है। और इसलिए हमने देखा है, मैं आपको बता देता हूं, अभी पाकिस्तान पर एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी उसमें था। बोलिए, पाकिस्तान में 5 आजादी के आंदोलन चल रहे हैं। सिंधी अलग सिंध चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग अलग बलूचिस्तान चाहते हैं, पख्तून अलग पख्तूनिस्तान कहलाते हैं, और फिर इधर POJ के हिंदुस्तान चाहता है। बीच का जो पाकिस्तान बनता है, एक पंजाबी पाकिस्तान है, गैर पंजाबी पाकिस्तान है, वो दोनों दो हिस्से चाहते हैं। पाकिस्तान इस मोड़ पर पहुंच गया है, भारत विरोध करेगा तो भी अगले 10 साल में टूट जाएगा। पाकिस्तान इस जगह पहुंच गया है कि अगर वो भारत से प्रेम करेगा तो भी शायद टूट जाएगा, पर भारत से सुलह करेगा और भारतीय बनकर जिएगा। आज वहां मूवमेंट चली है, अभी 10 विश्वविद्यालयों का एक कार्यक्रम था, सारे मुस्लिम स्कॉलर थे, तो वह ढूंढ रहे थे पाकिस्तान की जड़, तो कहाँ है चाणक्य में है, कहाँ है महर्षि कनाद में है, कहाँ है, क्योंकि पूर्वज कौन होंगे, 50 साल पहले के, 500 साल पहले के, 5000 साल पहले के पूर्वज कौन है? वही रामलाल श्यामलाल। इंडोनेशिया कहता ही है, उसकी एयरवेज का नाम गरुड़ एयरवेज है। जब रिसेशन आया तो उसने अपने 10,000, 20,000, 50,000 और 1,00,000 की करेंसी पर गणपति का चित्र डाला। 1,00,000 पर गणपति और लक्ष्मी का डाला, रिद्धि सिद्धि के देव, तो वह इकोनॉमिक हालात में से निकल गया। अब वहां पर राम गुलाम सांझे नाम मिलते हैं, राम भी मिलता है, कृष्ण भी मिलता है, गणपति भी मिलता है, ये सब मिलते हैं नामों में। पूरे इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, 30.25 करोड़। नंबर 2 पर पाकिस्तान पर है, नंबर 3 पर आज के हिंदुस्तान में 17 करोड़। तो वहां पर उनके धरती के देश के कुल देवता बजरंगबली है। जकार्ता से 1 किलोमीटर शहर की ओर जाओ एयरपोर्ट से, तो जो चौराया उस पर 29 फुट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति। दुनिया का कोई राजनयिक इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का कोई राजनयिक और राजनेता, धार्मिक नेता विदेश में जाए, हर एक की गाड़ी वहां 1 सेकंड रुके के 1 मिनट रुके, उसको माथा झुका कर जाती है। और वो कहते हैं, ऑफ कोर्स वी हैव चेंज्ड आवर वे ऑफ वर्शिप, बट वी हैव नॉट चेंज्ड आवर आइडियोलॉजी कल्चर एंड फोर फादर्स। हमने अपने फोर फादर में, इसलिए आप वहां के संसद में प्रवेश करेंगे, संसद में प्रवेश करने से पहले जो चौक है उस पर महाभारत का वो रथ बना हुआ है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। इट इज टॉलरेंट इन द बिगेस्ट कंट्री ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दुनिया वर्ल्ड इंडोनेशिया ऑल दिस, यहां कौन सा रिएक्शन है? इसलिए सीखने के लिए चारों तरफ बहुत चीजें हैं। इसलिए मजहबों में झगड़ा नहीं, दंगा नहीं, मजहबों में प्यार है। हिंदुस्तान तकसीम नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान जुड़ना चाहिए। हम अगर यूरोपियन यूनियन हो सकते हैं तो भारतीय यूनियन क्यों नहीं हो सकते? देश रहेंगे, संविधान रहेंगे, पर दंगा नहीं होगा, जंग नहीं होगी, घुसपैठ नहीं होगी,
करप्शन नहीं होगी, शस्त्रों का व्यापार नहीं होगा, अफीम का व्यापार नहीं होगा, सब प्रॉस्पर कंट्री के रूप में जिएंगे, नेशनल ग्रिड। भारत ऐसा देश है जो आज दुनिया को जन्म मुक्त करने के लिए लगा है, तो हमारे पड़ोसी क्यों नहीं जन्म मुक्त होने दें? और इसलिए हम भारत थे, हम भारत हैं और हम भारत बने रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, है और बना रहे। अभी तक दुनिया ने नारा नहीं बनाया सारे जहां से अच्छा, अमेरिका हमारा, रूस हमारा, चीन हमारा, इंग्लैंड हमारा, अरब हमारा, तुर्किस्तान हमारा। जब ये बोलो तो लोग सब हंस पड़ते हैं, सबको लगता है ये मजाक किया जा रहा है, पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मक्का शरीफ से हिजरत की, मदीना शरीफ 39 दिन में रसूल पहुंचे, सुलाहुल वापिस आए, तो तीन ही तो मैसेज दिए उन्होंने। पहला, हे मेरे मानने वालों, जंग नहीं, झगड़ा नहीं, सुलह ही समाधान है, इसलिए सुलह पर काम करो, जंग और दंगल से दूर रहो। दूसरा क्या था? दूसरा उन्होंने कहा, जब मैं पूरब में हिंद रूपी सरजमीन को देखता हूँ तो मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं, यानी आई गॉट एवरी सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम द सरजमीन ऑफ हिंद। तीसरा उन्होंने ये कहा कि वो सरजमी ऐसी अजीम क्यों है, क्योंकि दुनिया के 1,24,000 नबी पैगंबरों में सबसे ज्यादा नबी पैगंबर वहीं आए हैं, सबकी इज्जत फरमा। तो हमें रसूल के कदमों पर चलने वाला मुसलमान बनना चाहिए और हिंदुस्तानी तहजीब वाला हिंदुस्तानी बनना चाहिए, इसलिए हम एक अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी हैं। मीन्स ठीक मुसलमान है और ठीक भारतीय है, ठीक इंसान है। और इस प्रकार का एक मूवमेंट देश में चला है, और इस मूवमेंट का एक छोटा सा परिचय मैंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का भी दिया, इसका भी दिया। दोस्तों, ये मूवमेंट चल पड़ी है, चलेगी, और इसलिए मैंने आपको आखिर में, मैं भाई साहब के आने के बाद बोलना चाहता था, मुझे घड़ी में और पीछे से संकेत मिला, 2-4 मिनट और बोल लीजिए, आ रहे हैं, खाली छोड़ोगे तो जरा अफरा तफरी फैलेगी, तो मैंने एक्सटेंशन किया भाषण का, वो रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था आप सबको, आपको बहुत बहकाया और भड़काया जाता है, वो जो भी होता है आप जानते हैं, परंतु अगर लगता है कि RSS, BJP, विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार को गालियां देने से आपको रोजगार मिलता हो, छत मिलती हो, नौकरी मिलती हो, एडमिशन मिलता हो, कुछ भी ऐसा बेनिफिट मिलता है, आप हमें 400 गालियां दे दीजिए। आपने का कुछ नहीं मिलता, आज तक तो मिला नहीं, तो फिर ये गलत शैतान का धंधा क्यों करते? फिर आप कभी भी फैसला ले लेते हो कि हमने BJP की ऐसी तैसी करने के लिए वोट डालते, तो BJP बेचारा किसी को देना भी चाहे तो नहीं देती है, क्योंकि दूसरा होगा तो जमानत तो बचा लोगे, इसके तो आप जमानती जब्त करा दोगे, फिर भी ये आप कोई ना देकर टिकट तो भी 1-2 को मंत्री बनाकर आपके हकों के लिए काम करने के लिए जाके दे देती है, 4 आयोग भी भर देती। तो इस रिवाज को नहीं बदलोगे तो आपकी किस्मत कोई बदलने वाली। अब हिंदुस्तान में किसी की भी नफरतों से, किसी के भी जाति और मजहब आग के भड़काने से हिंदुस्तान की राजनीति अब बदलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति जो प्यार करेंगे उनको साथ लेकर चलेगी, जो अखड़ बनकर चलेंगे, हमने उनका कुछ नहीं करना, जनता ही उनको इधर उधर कर देगी। इसलिए अपने बनकर चलो, ईमान से अपने बनकर चलो, खरीद फरोख्त के हिसाब से मत बनकर। दोस्ती और प्यार क्या मिलेगा इसके आधार पर नहीं होती है, शुद्ध मन से होती है। और इसलिए एक भारतीय मन हिंदुस्तानी मन बने और हम एकजुट होंगे, नहीं तो क्या होता है, कई पार्टियों के जलसे जुलूस निकलते हैं, कई मजहबों के जलसे जुलूस निकलते हैं, क्या हिंदुस्तान में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए? नहीं है। तो क्या हम मिलकर ये प्रस्ताव नहीं पारित कर सकते
कि हिंदुस्तान के किसी भी तंजीम के किसी भी जलसे में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, हम उसकी घोर निंदा करते हुए कहेंगे कानून पर इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा जरूर चलाया। अगर ये प्रस्ताव पारित करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर दीजिए। भारत माता की, मादरे वतन हिंदुस्तान, वंदे। तो इसलिए करना, ये है अखंड भारत। खोया हुआ जमीन दुश्मन नहीं बने, दोस्त बने। खोया गया जन अपना बने, पराया नहीं। हम अल्पसंख्यक बनकर नहीं जिए, हम भारत के मूल नागरिक बनकर जिए। अल्पसंख्यक आपको पराया करता है, हिंदुस्तानी भारतीय आपको मालिक देता है। तो मालिक बनकर जियो, पराये बनकर नहीं जियो। यह जीना, हम एकजुट होंगे तो जो अड़ोस पड़ोस में सीमाओं में कभी चीन आंख दिखाता है, कभी पाकिस्तान का कोई फालतू का आदमी आंख दिखाता है, ये सब आंख दिखाने वाले बंद हो जाएंगे। हमारी ये स्ट्रेंथ खोए गए जन और जमीन को हमारा मित्र बना देगी। जो खोई गई जमीन है, मैं तो कहा करता हूं बापू अगर अमर मेंशन कर देते तो भारत का विभाजन नहीं किया उन्होंने। बापू अगर नेहरू और जिन्ना की बजाय पटेल को और सुभाष को ऑन कर लेते तो भारत का विभाजन नहीं अब हो गया। कल ये जमीन दुश्मनों की भी जमीन नहीं बने, ये दोस्तों की जमीन हो, क्या हम ये नहीं चाहेंगे? इसमें कोई बुराई है, किसी पर कब्जा है क्या? नहीं है। हम चाहेंगे कि जो कभी हमारे थे, जो 47 में भारतीय कहलाते थे और फिर बाद में पाकिस्तानी कहलाए, जो पाकिस्तानी कहलाते थे बाद में बांग्लादेशी कहलाए, क्यों नहीं ये फिर से हिंदुस्तानी कहलाने लगे? हम हिंदुस्तानियों के एक आधा छोटा मोटा मुल्क और मान लेंगे। आज मॉरिशस बन गया हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का और बना, परंतु एक वायदा तो करेंगे ना, किसी मजहब का दायरा नहीं टूटेगा, गाय नहीं कटेगी, बहु बेटी की इज्जत नहीं लूटेगी, धर्म बदला नहीं जाएगा, सब धर्मों पर सम्मान वाला हिंदुस्तान क्यों नहीं बनेगा? क्या लुच्चे लफंगे मेरी जात मजहब के हो गए हम? क्या ऐसे और शैतानों का, मर्डरर्स का, हथियारों पे ही समर्थक बनकर जिएंगे इस हिंदुस्तान में? इसका अर्थ है महान भारत, श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। इसका अर्थ है शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो हम ऐसा भारत बनाएंगे और सजाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कुछ बातें आपके सामने कही हैं और इस विश्वास के साथ आओ एक नए हिंदुस्तान का आगाज आज के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, संघ के जय घोष में, भारतीयता के, हिंदुस्तानियत के आलोक में हो गया है। हम इसको बुलंद करेंगे और जो भी भारत की विकास यात्रा होगी, जो भी भारत के महान बनने की यात्रा होगी, हम मोहम्मद दिन सलाम दिन इस हिंदुस्तानी का भी उसमें योगदान पक्का होगा। हमसे हम बिहार फेंक दिए जाएं या हम बाहरी हो जाएं, ऐसा नहीं होने देंगे। इस विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज मध्य प्रदेश की इस राजधानी की भूमि पर आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द जो मध्य प्रदेश के कोने कोने से हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता आए, वे अपने अपने जिलों में तहसील तक इन शब्दों को उतारेंगे और आपके बताए हुए इस मार्ग पर चलने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अब मध्य प्रदेश के यशस्वी और हम सबके लाडले, हम सबके चहेते आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा, वे सभी लोग आपको 2:30 बजे से यहाँ पर एकत्रित थे, वो आपको सुनना चाहते हैं। आदरणीय भाई साहब जोरदार तालियों से, जब तक भाई साहब नहीं आए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की,
जिनको हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे और जिन्होंने हमें सोचने पर विवश किया है, एक नई दृष्टि, एक नई दिशा, ऐसे परम आदरणीय श्रीमान इंद्रेश जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक मोहम्मद अफजाल जी, मध्य प्रदेश के संयोजक मोहम्मद फारूक खान जी, मेरे मित्र एस के मुद्दीन जी, भाई तपन भौमिक जी, तौफीक अहमद जी और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, अरे हम यहीं तो पैदा हुए, लहू का रंग एक, इसी माटी में पैदा किया हुआ अन्न हमने खाया है, इसमें बहने वाली नदियों का पानी हमने पिया है और उसी का बना हुआ खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। कि ये सच्चाई नहीं कि हमारे पुरखे एक, हम बाहर से नहीं आए, आक्रमण करने वाले बाहर से आए थे जैसा इंद्रेश जी बता रहे, लेकिन हम तो यही के हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, हमारी जमीन, हमारी माटी, वो यही हिंदुस्तान है। और हम सब जानते हैं जब भारत पे हमला हुआ, आक्रमण हुआ, तो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, जब बाहर वाले आए तो सा का उच्चारण वो ठीक से नहीं कर पाते, तो सा को उन्हें हा कहा, वैसे सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई, धीरे धीरे उसी का नाम हिंदू और हिंदू हो गया। और देखिए आज नहीं, हजारों साल पहले इस देश की धरती ने कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब सत्य तो एक है लेकिन विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म सभा में कहा था, जैसे अलग अलग जगह से बहती हुई नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती है, वैसे उपासना पद्धति कोई हो, इबादत का तरीका कोई हो, अगर सच्चे मन से की जाए तो उसी परमेश्वर परमात्मा तक, उसी तक जाती है। अब इसमें मतभेद कहां है भाई, भारत ने हमारे देश ने कभी विवश नहीं किया है कि इसी रास्ते चलो, ठीक है हमारा इबादत का तरीका अलग है, हम इस रास्ते चलेंगे, ठीक है। देखो भारत तो ऐसा देश रहा है कि किसी ने कहा कि भगवान साकार है तो उनका ठीक है, ऐसे विद्वान हुए जिनका नहीं निराकार है तो उनका तुम भी ठीक हो, इस बात को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ कि भाई तुम्हें जो रास्ता लग रहा है तुम ठीक हो, लेकिन उससे हम अलग कैसे हो गए। दो रास्ते अलग मानने वाले उनके दिल नफरत से क्यों भरे, और इंद्रेश जी भी बता रहे थे अपने देश की हिंदुस्तान की सीमाएं कहां कहां थी 1947 के पहले, उसके और पहले भी राज्य अलग अलग होंगे, राजा अलग अलग होंगे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये देश हमेशा एक था, एक भारत था, एक देश था, अलग अलग राज्य रजवाड़ों में रहते हुए भी हमारी सीमाएं, आपने सही कहा, ईरान, अफगानिस्तान, अब काबुल, कंधार, भारत का इतिहास पढ़ के देख लीजिए, मगध का साम्राज्य वहां तक था,
इंडोनेशिया की बात आप कर रहे थे, अंगकोट बार, बाली, सुमत्रा, जावा, वहां तक हमारी संस्कृति फैली हुई थी। कई बार मैं वहां जन्म, मतलब राज्य के रूप में देश बटा और फिर कई बार एक हो गया, बटे और फिर एक हो गए। और यह सही बात है कि 1947 में जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में कुछ लोगों ने मां के विभाजन को, बंटवारे को स्वीकार कर लिया, नहीं तो यह देश बटता थोड़ी, हम एक रहते। आगे रावी हो, सतलज हो, झेलम हो, ब्यास हो, चिनाव हो, ये सारी नदियां हमारी तो है। हिंगलाज हो, ननकाना साहब हो, लड़काना साहब हो, कराची हो, बलबलवारा, ढाका हो, ये अपने ही तो था। अब एक विभाजन हो गया, आज भी उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब हम फिर से सब एक होंगे। किसी मजहब को माने क्या, क्यों नफरत की दीवारें, क्यों दंगे, क्यों लड़ाई झगड़े, क्यों खून खराबा, क्यों हिंसा। कई लोगों की तो रोजी रोटी इसी खून खराबे और हिंसा से चलती रहती, भड़काते रहो, चलते रहो, क्या आपस में फिर से प्रेम की गंगा नहीं बहा सकते। दिलों में कहीं दरार है तो दरार को बांट नहीं सकते, क्या भाई भाई एक नहीं हो सकता। आखिर हम पीढ़ियों पहले उठा के देख लो, एक ही तो थे। और अखंड भारत की अगर हम बात करते तो जब सीमाएं परिवर्तित होंगी तो होंगी। अब पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे, क्या हो रहा है ना, इमरान खान अपना मार्च निकाल रहे हैं, दूसरी कई तरह की गतिविधियां चल रही हैं। हम तो चाहते शांति, प्रेम, भाईचारा, एकता। और एक बात कहता हूं, मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया, एक भी कोई योजना, फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं कहने के लिए कह रहा हूं, कहां नफरत। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई हो या मैंने बनाई हो, अरे सस्ता गेहूं फ्री में गेहूं देना है तो कभी देखा कि इसमें झपका है कि उस पर झपका है, सबको देना है, जो गरीब देना है, इसमें क्या दिक्कत। अगर बेटी जी कन्यादान करना है तो निकाह भी करना है, हम धूमधाम से करते हैं, मैं खुद जाता हूं बेटियों के घर, कहा का भेदभाव भाई। अगर बच्चा गरीब है, पढ़ाई की फीस भरना है, तो ये नहीं देखा कि कौन से मजहब को मानता है। अरे हमारी तो बच्चे हैं, क्यों भेद करें, सबको देने की कोशिश की। अगर मकान बनने प्रधानमंत्री आवास के, तो ये थोड़ी देखा कि नाम क्या है, राम है कि रहीम है। अरे गरीब है तो राम को भी देंगे, रहीम को भी देंगे, उसमें कौन सी बात। अगर आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं अभी बीमारों के इलाज के लिए, अगर बीमार हो जाए, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि कभी ऐसी बीमारी हो, कैंसर, किडनी खराब, हार्ट की बीमारी, उसमें ये देखेंगे कि कौन से अमलाल है, कौन शमसुद्दीन है। अरे यहां जरूरत पड़ी की बात है कि हमारी तो है। और आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में होगा, कोई इसमें थोड़ी देखा के ये मंदिर में जाता है कि मस्जिद में जाता है, कोई भेद नहीं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ये अखंड भारत। दिलों में दीवारें पड़ गई तो यहां रहते हुए भी हम तो खंड खंड हो गए भाई, ये खंड खंड नहीं होना है। नफरत की दीवारें तोड़ना है, प्रेम की गंगा बहाना है, भाई को भाई की तरह गले लगाना है और मिलके हिंदुस्तान की प्रगति और विकास करना है। आगे बढ़ेंगे हम, दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होंगे। आज भी दुनिया के किसी भी देश के लोग अगर आते हैं हमारे देश के बारे में, क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी तो कहते हैं। देश पे इतने हमले हुए उस समय, ये थोड़ी किसी ने कहा कि मैं बांग्लादेश पे हमला कर रहे हैं, कि पाकिस्तान पे कर रहे हैं, कि नेपाल पे कर रहे हैं, कि तिब्बत पे कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान पे करते थे।
इस देश की सीमा हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और उधर अफगानिस्तान से लेके एक जमाना था जब इंडोनेशिया तक, ये जो सीमाएं थी यही तो पूरी हिंदुस्तान थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी का मजहब बदले, धर्म बदले। अरे अपना अपना विश्वास मानते मानने तो काय का धर्म मानते, जिसको जो मानना है मान लेते, लेकिन नफरत नहीं, प्यार, घृणा नहीं, आत्मीयता, हिंसा नहीं, प्रेम, युद्ध नहीं, शांति, झंझट नहीं, विकास। इस रास्ते पर चलेंगे तो सबका भला होगा। और जैसी दुनिया आज लड़ रही है, रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, रूस की और पश्चिमी देशों की लड़ाई चल रही है, वैसे में आज पूरी दुनिया अपने हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, अपने भारत की तरफ देख रही है, चाहे पुतिन हो चाहे बाइडेन हो, आजकल तो सब भारत की तरफ देख रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर हम सब नफरत की दीवारें तोड़ के एक हो गए तो पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा और दुनिया में शांति का संदेश भी अपना हिंदुस्तान देगा। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यही हमें करना है। भड़काना आसान है जरा जरा सी चीजों पर झगड़े। अरे जो चीज एक मजहब ठीक नहीं मानता, इंद्र जी ने सही कही थी, वो क्यों करें? अगर अगर गो हत्या बुरी मानी जाती तो कोई मजहब के लोग ना करे, उस पर क्या दिक्कत है? एक दूसरे की इज्जत करें, सम्मान करें, एक दूसरे की परंपरा का सम्मान करें, सारी समस्या दूर हो जाएगी। और इसलिए आज मैं भी दिल से आप सब से यही निवेदन करने आया हूं, अखंड भारत का मतलब है सीमाएं, आएगा देख लेना एक दिन, जब हमारे रहने वाले भले ही वो इस्लाम को मानने वाले हमारे साथी, उनको भी लगेगा कि यार हमारा देश तो ये एक ही है, हमारी नदियां, हमारा पानी, हमारे पुरखे, हमारी परंपरा एक है, हो सकता है वो दिन आए, लेकिन वो जब आएगा तब आएगा। आज तो हम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से चारों तरफ ये संदेश फैलाए, कोई घृणा नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई खून खराबा नहीं, तुम्हें ये रास्ता अच्छा लगता है इस रास्ते से जाओ, ऊपर वाले बात, तुम्हें ये रास्ता अच्छा लगता है इस रास्ते से जाओ, कोई भेद नहीं, लेकिन गले मिल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, लड़ाई झगड़े में फालतू समय बर्बाद नहीं करेंगे, तरक्की के लिए, विकास के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। और ये भाव अगर आ गया तो यही अपना अखंड भारत है, दिलों को जोड़ दे तो अखंड भारत। आइए मिलके इस रास्ते पर चले और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच संदेश को गांव, शहर, मोहल्लों, गलियों तक फैलाए। एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि इसमें सरकार, अंतरात्मा से दिल से कह रहा हूं, कोई भेद कभी नहीं करेगी, कोई भेद कभी नहीं। हाँ, कोई आतंक फैलाता है, हिंसा फैलाता है, खून खराबा करता है, गड़बड़ करता है, तो आतंकवाद को तो हम कोई पसंद नहीं करेंगे। इस रास्ते पे जो चलते हैं वो गलत है और गड़बड़ है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है, वो कोई भी हो, किसी भी पंथ का मानने वाला, लेकिन प्यार करने वालों को तो प्यार बांटते चलो, हिंदू हो या मुसलमान, हम सब हैं भाई, क्या दिक्कत है? और इस संदेश को आप गांव गांव फैलाए, अपनी महान संस्कृति, अपना देश, अपनी परंपरा, अपने जीवन मूल्य, अपने पुरखे, उन सबकी इज्जत करें और मिलके आगे बढ़े और एक दूसरे की भी इज्जत करें जी। कोई धर्म नहीं कहता कि किसी दूसरे को सताओ, कोई धर्म ये नहीं कहता कि मां बहन और बेटी की इज्जत मत करो। मध्य प्रदेश में तो हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, ये कानून मध्य प्रदेश में बना। बेटी कोई भी हो, मध्य प्रदेश में बिटिया के साथ चाहे कोई हो,
पंथ की मानने वाली हो, कोई धर्म के मानने अगर किसी गड़बड़ की तो उसको छोड़ेंगे नहीं, बुलडोजर चलेंगे, ऐसे लोगों को कौन बर्दाश्त करेगा। लेकिन हम सब मिलकर प्रेम से भाईचारे के साथ एकता के साथ आगे बढ़े, यही अखंड भारत है। और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इंद्रेश जी आपको भी प्रणाम करता हूँ, इस मुहिम में आप लगे हुए हैं, पूरे देश में अलग जगा रहे हैं, प्रेम की, भाईचारे की, शांति की, एकता की, और जो सच और सही बात है उसको सबके बीच में पूरी दृढ़ता के साथ रख रहे हैं। मैं आपका भी भोपाल की धरती पर स्वागत करता हूँ, आप भी ताली बजा के इंद्रेश जी का स्वागत कीजिए। और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हृदय से धन्यवाद देता हूँ, इस मुहिम को चलाइए, हम सब साथ साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।